दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। गुडरा क्षेत्र में गश्त पर निकले सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ करीब एक घंटे चली, जिसमें गोलीबारी में दो नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक देशी कट्टा और सामान बरामद किया है। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुछ नक्सली ग्रामीण इलाकों में हैं और वे ग्रामीणों को मारने और लूटने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों को भेजा गया, जहां मुठभेड़ में एक 3 लाख और एक लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया गया। 15 से 20 माओवादी कट्टे कल्याण एरिया कमेटी के आने की और गांव वालों को जहाँ लगा के कुछ लोगों की हत्या करने की और कुछ लोगों से पैसे वसूलने की सूचना हमें मिली थी, जिस पर दंतेवाड़ा से दंतेवाड़ा DRG को भेजा गया। वहाँ पहुँचने के बाद नक्सलियों द्वारा DRG के ऊपर धुआंधार फायरिंग की गई। फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया गया। करीब 20 से 25 मिनट 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक फायरिंग चली। फायरिंग रुकने के बाद सर्चिंग में 2 माओवादी डेड बॉडी रिकवर हुई, जिसमें कि हड़मा मालवी जो कि कटे कल्याण LGF कमांड डिप्टी कमांडर था, 3 लाख का इनामी था, उसकी डेड बॉडी, और आयता फोरी जो कि एटेपाल जन मिलिशिया कमांडर था, 1 लाख का इनामी, उसकी डेड बॉडी रिकवर की। एक 9mm वेपन और एक देसी कट्टा वहाँ से मिला। एक 5 किलो का ID मिला है। 2 पिट्ठू मिले। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरे लिए खतरे में, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।